YouTube चैनल बेस्ट आइडियाज विद सना। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो गाइज, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे आपको फ़ायदा भी हो और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी हो। जी गाइज, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फाजीन मास के बारे में। जी गाइस, इसकी एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको फाजीन मास्क का टोटल मेथड बताया कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है और ये क्या वर्क करता है। लेकिन आज मैं आपको इस मास्क के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगी। जी गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इस मास्क की आप इसकी पहले पैकेजिंग देखें। इस मास्क की मार्केट में 3 तरह की कॉपीज आ चुकी हैं। जी गाइस, मैं आपको उनकी थोड़े थोड़े हिंट भी बताती चलूं कि वो कॉपीज किस तरह की हैं। गाइस, आप इस मास्क पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी हैंडराइटिंग जो है ये सिल्वर कलर में है, और इसी तरह एक और मास्क है जिसकी यहाँ पे राइटिंग जो है ये ब्लैक कलर की है, और थर्ड मास्क की उसकी थर्ड कॉपी है उसके इस साइड पर इसका फाजीन का नेम लिखा होता है। तो अब मैं आपको बताऊँ कि ये वाला जो मास्क इस टाइम मेरे पास अवेलेबल है, इसका क्या रिज़ल्ट है और ये कैसा काम करता है। अब गाइस, तीनों मास्क जो हैं उनमें से रियल का अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। वैसे तो तीनों के रिज़ल्ट ही तकरीबन एक जैसे हैं। आपको बताऊं गाइस कि ये वाला मास्क आपके बालों को, जो लोग ये सोच के ले रहे हैं कि आपके बालों को ये केराटिन करेगा या आपके बालों को ये स्ट्रेट करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी गाइस, मैंने ये वाला मास्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी और ड्राई हेयर पर भी अप्लाई करके देखा है। गाइस, जिनके बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं वो इसको अप्लाई करें, उनको तो इसका रिज़ल्ट बेस्ट ही लगेगा। वो क्यों? क्योंकि इस मास्क का काम है जस्ट आपके बालों को नरिश करना और आपके बालों को सॉफ्ट करना, आपके बालों में इलास्टिसिटी को पैदा करना। जी गाइस, ये जस्ट इस पर्पज़ के लिए ही यूज़ होने वाला मास्क है। इस तरह गाइस, ये 1 kg का है, तो 1/2 kg में भी इसका आपको जार मिल जाता है। तो गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो मास्क है ये आपके बालों में किसी तरह का कोई केराटिन नहीं करता। आप ये सोच के इसको बिल्कुल भी मत करें कि इससे हमारे बाल जो डेली बेस पर स्ट्रेट हो जाएंगे या आपके बाल जो हैं बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी गाइस, ये वाला जो मास्क है, आप अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने बालों को रिपेयर करने के लिए। जिनके बाल ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं वो इसको लें, ये आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों को रिपेयर करेगा और आपके बालों में इलास्टिसिटी पैदा करेगा। इसके साथ साथ गाइस, मैं आपको बताती चलूँ कि आप जैसे ही इस मास्क को अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने के बाद आप जब अपने बालों को वॉश करेंगे, तो वॉश करते समय तो आपको अपने बाल ऐसे लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके बाल ड्राई होंगे तो आपके बाल बिल्कुल अपनी असली हालत में आना शुरू हो जाएंगे, और आपके बालों में इसका असर सिर्फ थोड़े दिन यानी 1 से 2 दिन ही रहेगा, यानी कि आपके बालों को जस्ट सॉफ्ट कर देगा जैसे कोई कंडीशनर करता है। मैं कहूँगी कि ये जो मास्क है ये एज ए कंडीशनर आप इसको जस्ट यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज ए मास्क जिसे आप कह सकते हैं वो नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि मास्क का काम होता है हमारे बालों में केराटिन करना, और केराटिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। इसका काम होता है कि हमारे बालों को प्रोटीन देने के साथ साथ हमारे बालों को स्ट्रेटनिंग भी करना। तो गाइस, ये जस्ट आपके बालों को थोड़ा बहुत ही प्रोटीन देता है, इसमें बहुत ही कम मिकदार में प्रोटीन शामिल है। ये आपके बालों को जस्ट नरिश करता है। ऊपर यहाँ पे मेंशन भी किया गया कि ये स्पेशली सिर्फ नरिशिंग एंड सॉफ्टनेस की क्रीम है, ये आपके बालों की स्ट्रेटनिंग के लिए बिल्कुल भी क्रीम नहीं है। ये जस्ट आप एज ए अपने बालों को नरिश करने के लिए ही इसको यूज़ कर सकते हैं डेली बेस पर। और एक बात गाइस, आपको मैं बताऊं कि आप जब भी ये मास्क को अप्लाई करें तो आप मेरे मशवरे के मुताबिक इस मास्क को अपने रूट्स पर बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि एक तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, तो बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स जब आप अपनी रूट्स पर अप्लाई करते हैं तो वो हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी बेस्ट नहीं होते हैं।
सो मेरा मशवरा यही होगा कि आप इसको अपने रूट्स पर बिल्कुल भी अप्लाई मत करें, और रूट्स से बिल्कुल नीचे नीचे आप इसको अप्लाई करें, वह भी जस्ट वीक में वन टाइम, जस्ट अपने बालों को नरिश करने के लिए। यानी इससे आपके बालों की जो रफनेस होगी वो जो है ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से यूज़ करें। और इसकी सबसे बड़ी गैस खामी ये है कि ये मास्क जो है, ये मतलब कि अक्सर मैंने मास्क देखे हैं जो आप नहाने से पहले जो है अपने बालों पर अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लेते हैं, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। तो गैस इस मास्क में ऐसी कोई बात नहीं है। इस मास्क की यही सबसे बड़ी खामी है कि ये आपने पहले अपने बालों को वॉश करना है, शैम्पू करना है, देन फिर आपने ये वाला मास्क जो है अप्लाई करना है। सो गाइस, इतनी देर आप इस मास्क को लगा कर फिर बैठे रहें और इंतज़ार करें कि आप फिर हम दोबारा नहाएं, इसकी सबसे बड़ी खामी ये है। सो गाइस, मैंने सोचा कि क्यों ना इस मास्क को हम दूसरे तरीके से अप्लाई करें तो इसका रिज़ल्ट कैसा लगे। तो मैंने गाइस इसको शैम्पू से पहले अप्लाई किया। जी गाइस, तो मेरे बाल जो हैं वो नॉर्मल हेयर हैं, मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं हैं, मेरे बाल कर्ली हैं। तो मैंने इसको अपने बालों पर अप्लाई किया, रूट्स पे बिल्कुल भी मैंने इसको अप्लाई नहीं किया, क्योंकि गाइस रूट्स पे अप्लाई करने से क्या हुआ कि मुझे इस मास्क से हेयर फॉलिंग का थोड़ा इशू शुरू हो गया, जिसकी वजह से फिर मैंने इसको रूट्स पर लगाना स्किप कर दिया। देन मैं अब इसको वीक में एक बार ही अप्लाई करती हूँ, वो भी जस्ट बालों के निचले हिस्से पर। सो गाइस, मैंने इसको फिर शैम्पू से पहले अपने बालों पर अप्लाई किया, देन फिर मैंने इसको शैम्पू किया। सो गाइस, जब मैंने इससे वॉश किया तो मेरे बाल बहुत खूबसूरत हो गए। उसके बाद जब मैंने शैम्पू किया तो यकीन माने मेरे बालों में इस मास्क का रिजल्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। यानी मेरे बाल बिल्कुल अपनी पुरानी हालत में आ गए। ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे बाल जो हैं बहुत ज़्यादा रफ हों, और अभी भी मेरे बालों को कंडीशनिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जी गाइस, तो इसका मतलब ये हुआ कि शैम्पू से पहले अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल भी इसका कोई असर नहीं रहेगा आपके बालों पर। तो उसके बाद गर्ल्स, मैंने फिर से कंडीशनर को अप्लाई किया, देन मेरे बाल जो हैं कुछ बेहतर हालत में आए। सो ये कंडीशनर वो लोग बाय करें जो सिर्फ़ अपने बालों की रफनेस और डलनेस को दूर करना चाहते हैं, अपने बालों में शाइनी और इलास्टिसिटी लाना चाहते हैं, अपने बालों में लचक लाना चाहते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ के लिए बेस्ट है, उसके अलावा इसमें कोई किसी किस्म का कोई केराटिन ट्रीटमेंट शामिल नहीं है जो आपके बालों को चंद ही घंटों में जो है स्ट्रेट कर दे। जी गाइस, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें, और अपनी प्रॉब्लम कमेंट के ज़रिए मेरे साथ लाजमी शेयर करें।